curbs on meat and leather. तलाक का बिल लाके इससे हमारे घरों में ये लोग घुस गए हैं और इसकी वजह से हमारी जो है फैमिली लाइफ तो डिस्टर्ब होगी होगी पर इकोनॉमिकली भी जो जो एक औरत है उसके लिए और भी मुश्किलात होंगी और आदमी के लिए बिकॉज मैरिज एज यू ऑल ऑफ नो कि हमारे यहाँ मुसलमानों में मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट और औरत को डेजर्ट करना छोड़ देना बहुत बुरी बात है बुरे हाल में मगर इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट अगर दो लोग एक साथ नहीं रहना चाहते हैं दे हैव टू आपस में सलाह सफाई से वो अलग हो सकते हैं मगर मैं इसलिए भी बात कर रही हूँ क्योंकि आई हैव गॉन थ्रू अ ब्रोकन मैरिज एंड आई फील औरत के लिए शादी टूटने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज होता है इकोनॉमिकली कि वो क्या करे अपने बच्चों को कैसे पाले तो जब हम बीजेपी के साथ जब आप बात करते हैं कि रिजर्वेशन होनी चाहिए Muslims ke liye to they reject any kind of reservation whether in education or in jobs or religious lines but when it comes to this kind of law jo mazhab ki buniyadon pe hai they go to pura wo chale jate hain isme parliament mein halanki supreme court pe jo hamari behne hamari bachiyan gayi already supreme court ne isko invalid karar diya hai islam mein isko biddat kaha jata hai islam rejects it पर उसके बावजूद और ये भी है कि इतने बड़े पार्लियामेंट में नॉट अ सिंगल मुस्लिम मेंबर पार्लियामेंट हैज सपोर्टेड दिस बिल पर इन स्पाइट ऑफ दैट जो मुसलमान जो ऑनस्लॉट कर रहे हैं तो मैं ये बताना चाहती हूँ जो भी हमारे मरकज में सरकार है कि ये यू आर नॉट डूइंग एनी सर्विस इधर टू इंडिया और टू योर जो कंट्री को कोई आप सर्विस नहीं कर रहे हैं हिंदूज को आप कोई सर्विस नहीं कर रहे हैं वी डोंट वांट टू क्रिएट अ जियाउल हक पाकिस्तान इन गांधी इंडिया दिस इज ऑल आई वांट टू से थैंक यू सो मच मैडम नहीं यार तो इसी पे बात कर रही है इसके अलावा अगर कोई बात नहीं अगर इफ यू वांट टू स्टॉप एनीथिंग ऑन दिस ट्रिपल तलाक जो आज राज्यसभा में आने वाला है जिसको लोकसभा में रिजेक्ट किया गया है और लोकसभा में पास किया गया है राज्यसभा में भी ये रिजेक्ट होगा मगर उसके बावजूद इसकी कोशिश करना ही हमारे मुल्क में जो 25 करोड़ मुसलमान है उनको क्या मैसेज दे रहे हैं पहले आपने उनके हाथ पांव काट दिए भी बैन और लेदर पे बैन लगा के तो उसके बाद आप उनके घरों को भी तोड़ के क्या क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं आई डोंट थिंक ये वाजपेयी जी की लेगेसी है जिसका ये पुतला बनाना चाहते हैं जिसका बुत बनाना चाहते हैं पता नहीं कितने 1000 करोड़ का ये उनकी लेगेसी नहीं है गांधी जी के साथ तो कभी इनकी बनी नहीं
वाजपेयी जी इस मुल्क को इकट्ठा रखना चाहते थे, कम से कम उस पर इनको अमल करना चाहिए। आप चाय पी लीजिए, कल पी ली, आज की आज आज में आज को यह Yes, sir.